मत भूलो। बताओ कहाँ मिलना है? ऑफिस में नहीं मिल सकते। हाउ अबाउट राजकमल मॉल? क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? अपूर्व ने मुझे धोखा दिया है अंकल। क्या क्या? अरे आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, मेरा कोई अफेयर नहीं है। झूठ मत बोलो अपूर्व। आज सुबह तुम्हें उस शोना का फोन आया था ना? ओहो आरती, ये जो शोना है ना, वो एक ट्रैवल एजेंट है। दो दिन पहले उसका फोन आया था गोवा के किसी पैकेज के बारे में, 3 nights and 4 days का। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा है, मैं आके मिलता हूँ तुमसे। तो आज जब मैं मिला तब उसने मुझे टिकट्स दी। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे शक करने वाली बीवी अच्छी लगती है। अच्छा अब मैं बाकी घर वालों को ये खुशखबरी दे दूं? हाँ। आरती तुम गोवा जाने की तैयारी शुरू करो। मुंह फुला के क्यों बैठा है? अबे शब्बो छोड़ के चले जाएगी अगर मैं वैलेंटाइन डे जैसे रोमांटिक दिन पे फैमिली के साथ रहूंगा तो। अरे 4 दिन की तो बात है, फिर मुंबई की रात है, फिर तू है, वो शब्बो है, और बिलेटेड वैलेंटाइन डे का रोमांस है। समधी जी क्या बात है, आपको गोवा पसंद नहीं आया क्या? वो थोड़ा जेटलैग हो गया है। ओहो पिताजी थोड़े थक से गए हैं। हाँ तो इन्हें लिटा दो ना बेटा। एक काम कीजिए आप सीट पे ही लेट जाइए। हाँ अंकल जी हम एक कुर्सी खोल देता है। खुल गया खुल गया। अब कैसा लग रहा है आपको? ए अपूर्व हम तो डिसाइड कर लिया है, ओ गोवा में जो कैलिंगुड बीच है, अंजुना बीच है, डोनापोला है, मीरामार बीच है, उत्तोड़ा बीच है, हम तो ये सब बीच का बीच में ही रहेगा। बेटा बीच बीच में होटल में भी आएगा या बीच में ही रहेगा? निश्चय निश्चय आएगा। आएगा आएगा। समझे जी आप मत खड़े होइए प्लीज, आराम कीजिए आराम कीजिए। हाँ पिताजी आराम कीजिए। अंकल आपको पता है फेब्रुअरी में गोवा का मौसम बहुत अच्छा होता है और गोवन फूड बहुत टेस्टी होता है। फूड प्रीति, मुझे वहाँ गोवा में रसगुल्ले और गुलाब जामुन मिलेंगे। क्या माँ, मैं गोवन फूड के बारे में बात कर रही हूँ। क्यों, गोवन फूड में रसगुल्ला और गुलाब जामुन नहीं होते हैं? लो। अरे गोवा का खाना और वेदर की बातें होती रहेंगी, लेकिन अभी अरे कुछ धमाल हो जाए, कुछ मस्ती हो जाए। यस यस यस। देखा ना है रे सोचा ना है रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। अरे डोले 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 संभालिए संभालिए, काला चश्मा निकाल लीजिए। कितनी खूबसूरत जगह है ये है? अरे धूप बड़ी तेज है ना, मैं जरा चश्मे पहन लेती हूँ। चलिए आइए आइए माँ। हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। थैंक यू। अरे आरती। Good morning, sir. Good morning, ma'am. Hi, welcome to Aldiva Goa. I'm Pais and I'm the front office manager at Aldiva Goa. Hi, she is Jan and she'll escort to the restaurant. Jan? Lekin abhi to Feb chal raha hai na? Hey, good joke, ma'am. Ah, yeah. My Jan, can we take off here, ma'am? Please come. I'll take you to the restaurant. Chalo, chalo. वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत होटल है ये अलीला दीवा। संदीप जी, जी आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। अरे नहीं नहीं संदीप जी, गोवा का मौसम और यहाँ के लोग देखकर हमारी सारी थकान उतर गई।
और इस होटल में आकर तो हमें और भी अच्छा लग रहा। कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी चिकनी टाइल्स हैं, कहीं हम फिसल ही ना जाए। आपको मोच तो नहीं आई दादाजी? दादाजी? बेटा मोच की मत सोच, हमारी हड्डियों में अभी भी बहुत जान है। ओके फैब में जैन बेटा, इस होटल में होटल नहीं है। क्या बोला? मतलब नहीं, मतलब होटल, मुझे भूख लगी है। ओ रेस्टोरेंट, आप लोग फ्रेश हो जाए, आई अरेंज ब्रेकफास्ट फॉर यू। थैंक यू। जैन बेटा, मेरा पूरा परिवार जो है वो प्योर वेजिटेरियन है। अंकल, अलीला दीवा में 100% वेजिटेरियन किचन की सुविधा है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। प्लीज कम। अजी चल चल। समधी जी। जी। अरे क्या सोच रहे हैं समधी जी, लगाइए एक आध डुबकी आप भी। जी डुबकी? हाँ हाँ। राजू? नहीं समधी जी, हमें ठंड लग रही है। दादाजी आपके रूम में एक्स्ट्रा कंबल रख दिया है, आप ऑटो चल के आराम करिए, हम सीनियर सिटीजन का ज्यादा ध्यान रखते हैं। सीनियर सिटीजन? दादाजी, हे ईश्वर, कोई और झटका देना बाकी है तो वो भी दे दे। हाँ समधी जी, आपको ठंड लग रही है तो रूम में जाइए और आराम कीजिए। जी अब आराम करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। जी समधी जी। अब भाई जिसको जो पसंद आए वो ऑर्डर करें। हाँ समझी जी, आप चिंता मत कीजिए जी, सब कुछ मंगवा लिया मेनू में जो है वो सब। जी हाँ जी, मतलब जिसको जो भी चाहिए वो सब कुछ आ जाएगा ना। Excuse me? Yes? Myself Salman. Raju Handsome. Myself Jain? Yes. आप जैन? मैं जैन में पैदा हुआ, ये जैन के फायदे बहुत है। राजू ये बंदर इस होटल के अंदर, राजू कहाँ गया ये? इधर आ जा, कहाँ रहा है, कहाँ रहा है तू? उधर से देखो, उधर से मजा आएगा। अंकल सॉरी 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 सॉरी, यहाँ क्यों आया है तू? मुझे अंकल ईश्वरलाल ने बुलाया। ईश्वरलाल तेरा दोस्त है, तेरा दोस्त, तुम्हारे दोस्त है समधी जी। लाल टोपी पहन के आया था, ईश्वरलाल बोलेगा उनको? ईश्वर अंकल ने बुलाया यहाँ पर मुझे रहने के लिए। रहने के लिए यहाँ तो दिखाई नहीं देगा। जैन कमरा, होटल की सारी रूम्स बुक हो जानी चाहिए मेरे नाम पर, इसे एक कमरा भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन होटल में गेस्ट रूम तो होगा ना? यस।
गेस्ट रूम खाली रहेगा। गेस्ट रूम जो है ना वो गेस्टों के लिए, तुम्हारे जैसे पेस्टों के लिए नहीं है। गेस्ट रूम में तेरे जैसा पेस्ट रहेगा कभी नहीं, कभी नहीं। तो मैं स्विमिंग पूल में रह लूंगा, है ना? स्विमिंग पूल का सारा पानी निकाल दूंगा। ठीक है, मैं रेस्टोरेंट में रह लूंगा। कितने बजे खुला रहता है? 5 बजे तक, सुबह के 5 बजे तक रेस्टोरेंट खुला रहता है। अगले 4 दिन मुझे गोवा में कहीं दिखाई दिया ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अंकल, नहीं छोड़ूंगा। अंकल, रहने दे। मैं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। I'll handle it, I'll handle it. अंकल, मेरी टोपी। टोपी? तू भी क्या? जाने, it's all right. I'll sort this out, please. Okay. Thank you. निकम्मा कहीं का। क्या हुआ? क्यों गुस्सा हो रहे थे बेचारे पर? कौन था वो? उषा। सॉरी। क्या कर रहा है तू? 4 दिन के हमारी गोवा की ट्रिप है, तू एक ही दिन में खत्म करना चाहता है? तो राजू बन के क्यों आया मेरे मुन्ने अंकल के सामने? राजू बन के? राजू बन के क्या मतलब है? मैं राजू ही हूँ, ईश्वर लाल बनता हूँ, और मैं राजू बन के अंकल के सामने नहीं आया था। और अगर मैं इसी तरह ईश्वर लाल बनता रहा ना तो जैन जैसी सारी लड़कियां मुझे पकड़ के ओल्ड एज होम भेज देंगी, समझा? अच्छा, तू अभी अपने असली रंग दिखाने लग गया गोवा थी। लाइन दे रही है वो जान। क्या बात कर रहा है? तो ये खुशखबरी शब्बो को सुनाते। आई लव शब्बो यार। अच्छा, प्लीज प्लीज, 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 प्लीज। मैं जा रहा हूँ। हाय सोना, थैंक्स अ लॉट, तुमने मेरी फैमिली के लिए यहाँ कमाल का रिजॉर्ट बुक कराया। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत मजा आ रहा है हम सबको। वेल, बस एक ही चीज की कमी है, तुम यहाँ नहीं हो। अगर तुम भी होती तो 4 चांद लग जाते। नो सीरियसली, आई एम रियली मिसिंग। ए लड़की, अगर ये तुझ में एक शादीशुदा आदमी के साथ कोई सर से फ्लर्ट करता है, यू हेलो, ये तो बंद है। हाँ, क्योंकि कोई है ही नहीं। ओ मेरी सोनी, मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती, जाने दो यार। I love you, I love you। मेरी सोनी, मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती, जाने दो यार। I love you। के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। मिसेस तेंदुलकर, झूठ मत बोलो। पंकज जी, खूबसूरत है ना? बहुत। पंकज जी, मैं घर के बारे में बात कर रही थी। प्रीति जी, हम घरवाली की बात कर रहे थे। पंकज जी। प्रीति जी, सचमुच बहुत खूबसूरत है। वैसे ये घर है किसका? अरे, हम दोनों का और किसका? नहीं प्रीति जी, हम दोनों का और हमारे परिवार का। हाँ। प्रीति जी, ये हमारे जीवन का पहला वैलेंटाइन दिवस है और आप हमारे जीवन की पहली वैलेंटाइन हैं। बताइए, हम आपको क्या उपहार दें? कुछ नहीं पंकज जी, आप मुझे मिल गए ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे गिफ्ट चाहिए। क्षमा कीजिए प्रीति जी, आप बताइए आपको क्या चाहिए। सोच लो, जो मैं मांगूंगी आप दे पाओगे? सोच लिया। नहीं। हाँ?
क्षमा कीजिए प्रीति जी, आप बताइए तो सही आपको क्या चाहिए? अभी नहीं, वक्त आने पर मैं मांग लूंगी। पल 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 हर पल हर पल कैसे कटेगा पल हर। हाँ, तो हम ये कह रहे थे प्रीति जी, जो मांगना है अभी मांग लीजिए। हम रामायण में दशरथ जी की दुर्दशा देख चुके हैं। नहीं पंकज, मैंने कहा ना वक्त आने पर मैं मांग लूंगी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं है, जैसा आप ठीक समझे। अच्छा, हम आपसे कुछ मांगे? मांगो। चलिए दरिया किनारे चलते हैं। चलिए। पल 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 हर पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हर पल। पल 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 हर पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हर पल। दिल 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 में मची है मची मची है हल चल हल चल हल चल। कैसे कटेगा पल हर पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हर पल। पल 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 हर पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हर पल। फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं, मेरे नसीब में है फोटो खींचता है। अगर मैंने पुलिस में कंप्लेन किया ना तो इतने डंडे पड़ेंगे कि दिमाग सेंटर में आएगा। अंडरस्टूड यू फैटी ओल्ड मैन। उषा याद है, 13-14 साल पहले गोवा के इसी बीच पर हम बैठे थे, बिल्कुल इसी तरह, शायद इसी जगह। कैसे भूल सकती हूँ वो दिन, आपको याद है? आप चार आने की छिलके वाली मूंगफलियाँ रेत में छुपा देते थे और तुम घंटों लगा देती थी एक एक मूंगफली ढूंढने में। 13-14 साल पहले। खुशियाँ वापस लौट आई है। Yes. बीच पे इतने जोरों से रेडियो बजाता है। प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे आज अपने पीछे, प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना। चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें, सज गई राहें। बेटा कॉलेज के दिनों में हम जब गोवा आते थे ना तो इसी तरह बाइक्स हायर करके घूमने निकल जाया करते थे। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त तो यहीं पे सेटल हो गया है। ओ, आज मैं और उषा उसे मिलने जा रहे हैं। क्या बात है, पुरानी यादें ताजा हो जाएगी बेटा। चलो उषा। चलिए। कहाँ जा रही हो? बाइक पे जाना है डाले। ओह भूल गई, सॉरी। हाँ बैठो। हाँ बैठो। ओके अंकल, बाय, हैव अ नाइस डे। अरे काका,
चलाना नहीं आता, ना राइट पता ना लेफ्ट, और ऊपर से मेरा कुछ हिस्सा है। अगर मैंने पुलिस में कंप्लेन किया ना तो इतने डंडे पड़ेंगे कि दिमाग सेंटर में आएगा। अंडरस्टूड यू फैटी ओल्ड मैन? बाइक चलाना नहीं आता तो ड्राइवर क्यों नहीं रखते हो? खाली पीनी नुकसान कर दिया मेरा। प्रीति बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? नो नो प्रीति, कौन प्रीति? आई एम शैली, शैली डिसूजा फ्रॉम गोवा। शैली, और ये क्या कपड़े पहने हैं तुमने बेटा? मेरे को जाने का है। नहीं, कहां कहां से गोवा आ जाते ये लोग, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। देखो ये लड़की प्रीति कैसी लग रही है ना? डार्लिंग ये प्रीति ही है। हा? चलो चलिए। कहाँ जा रही हो? बैठो तुम, कमाल करती हो। ओफो, ये कहाँ चली गई? कौन? प्रीति और कौन? मैं कहता हूँ होटल ही चलते हैं। चलो जी। हाँ प्रीति जी, कहिए। एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? क्या? नहीं, मेल्स भेजने से पहले आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए। लेट मी जस्ट गो थ्रू देम। अपूर भैया, अरे वाह, आ जाओ, लगा तो नहीं। थैंक यू। अपूर भैया, क्या हुआ? बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अंकल जी ने प्रीति जी को विदेशी परिधान में देख लिया है और पहचान गए हैं। अरे अंकल आप आ गए? हाँ मैं आ गया जी। वेरी गुड। प्रीति कहाँ है? प्रीति देखो अपने कमरे में, तो उसे बुलाओ बेटा। अच्छा, सोच क्या रहे हो बेटा, बुलाओ उसे।